तो गाइस ये है कार्डिगन, यहाँ से मैं पीछे भी आपको दिखा देती हूँ वेयर करना है, और नीचे से ये बहुत ज्यादा वार्म है गाइस, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अरे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम रितु एंड यू आर वाचिंग रितु हांडा। तो कैसे हो आप सब, आप आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरे थंबनेल से पता लग गया होगा आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो मैं लेकर आई हूँ अपना विंटर वेयर हॉल। जैसे कि आपको पता है कि विंटर्स चल रही है, तो विंटर्स में चलेगा ही विंटर वेयर हॉल। तो इसकी बहुत अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को जल्दी से पहले तो फॉलो कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बहुत अच्छी अच्छी प्लस साइज की रिकमेंडेशन मिल जाएंगी, वो चाहे समर्स हॉल हो चाहे विंटर्स हॉल हो, काफी वेरायटी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और मेरे रिव्यूज एकदम ऑनेस्ट होते हैं। तो गाइस इसका आंसर जो मेरे व्यूवर्स है मेरे कमेंट्स में जरूर दे सकते हैं कि इनको मेरे रिव्यूज है वो ऑनेस्ट लगते हैं या नहीं लगते, इसका कमेंट प्लीज जरूर आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़ना गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं आज मैंने क्या बाय किया है आप लोगों के लिए। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गाइस मुझे आता है 4XL, और जो भी मैं चीज बाय करती हूँ 4XL में ही बाय करती हूँ, लेकिन इन दिनों मैं 5XL में बाय कर रही हूँ। जो हुडीज है जो स्वेटर्स है मैं 5XL में बाय करती हूँ, क्योंकि हुडीज जो है हमेशा लूज लूज अच्छी लगती है, स्वेटर्स लूज लूज अच्छे लगते हैं, विंटर्स के कपड़े थोड़े लूज ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं 5XL साइज बाय कर रही हूँ। तो गाइज मुझे कमेंट्स में आ रहा था कि आप 4XL के नहीं हो, आप 2XL या 3XL के हो। गाइज मैं सच में मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती, मैं सच में 4XL की हूँ, और मैं अभी बाय कर रही हूँ 5XL। समर्स में मैं जो भी बाय करती हूँ 4XL में बाय करती हूँ, और जो भी रिव्यूज या मैं ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ और ऑनेस्टली से आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं कहने को तो ये भी बोल सकती हूँ कि यार मैं 2XL की हूँ 3XL की हूँ, लेकिन नहीं गाइस मैं 4XL की हूँ। सच में पता नहीं क्या एक वरदान है, शायद मेरी हाइट, मैं हूँ 5'9" की, इसलिए शायद हाइट के कारण मेरा साइज नहीं इतना पता लगता, लेकिन मैं आप लोगों से झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल सकती। तो ये पार्सल है मीशो का, जो मैं आपके सामने ही गाइस इसको खोल रही हूँ, और इसमें मैं अपना साइज भी आपसे शेयर करूंगी सबसे पहले, क्योंकि मैं ये गाइस सबसे पहले तो मैंने आपके लिए बाय की है ये वूलन की कार्डिगन बाय की है। गाइस मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि वूलन की कार्डिगन के बारे में बताओ, तो गाइस ये वूलन की कार्डिगन मैंने आपके लिए बाय की है, और मैंने साइज बाय किया है, और गाइस ये मैंने बाय की है, लेकिन इस पर कोई भी साइज मेंशन नहीं है। मैंने साइज बाय किया था 4XL, तो गाइस मैंने इसको 4XL में बाय किया, 5XL में बाय किया था, लेकिन इसमें कोई भी साइज मेंशन नहीं है। तो गाइस मुझे लग रहा है कि ये साइज मुझे थोड़ा सा छोटा है। तो गाइस ये कार्डिगन मैंने बाय की थी, और ये 5-6XL में वहां पर अवेलेबल है गाइस, और ये कलर इसका वहां पर बहुत प्यारा था, पीच कलर था, और कलर इसका गाइस बहुत ज्यादा प्यारा था, और इसका काफी ना लुक भी मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैं सच बताऊं तो जैसा मैंने वहां पर देखा था ना गाइस, वैसा सेम टू सेम मुझे रिसीव हुआ है। और स्टफ की बात करें तो स्टफ बहुत ज्यादा, जो सॉफ्ट स्टफ है बहुत सॉफ्ट स्टफ है गाइस, और काफी सॉफ्ट स्टफ लग रहा है। और गाइस ये है कुछ इस टाइप की कार्डिगन। तो गाइस कलर इसका बहुत प्यारा है, पीची सा कलर है, ऐसा कलर मेरे पास था भी नहीं, और काफी प्यारा वुलन का इसका स्टफ है, और स्टफ इसका वॉर्म है। तो गाइस ऐसी है ये पीछे से, और इसकी स्लीव्स हैं ऐसे, तो स्लीव्स के ऊपर भी थोड़ा सा इस टाइप का प्रिंट टाइप है, मतलब प्रिंट नहीं वो एम्ब्रॉयडरी टाइप है। तो गाइस ये है कार्डिगन, यहाँ से मैं पीछे भी आपको दिखा देती हूँ। तो क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, बटन्स दिए गए हैं सामने, तो गाइस बटन भी क्वालिटी, बटन की क्वालिटीज भी काफी अच्छी है इसकी, आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर एक साइड पे दी गई है पॉकेट, और गाइस इसके साइड पे दी गई है एक पॉकेट, तो पॉकेट मतलब पॉकेट की लेंथ भी ठीक है, लेकिन ब्लैक कलर की पॉकेट है, तो पॉकेट भी आई थिंक पीच कलर की होनी चाहिए थी, लेकिन ब्लैक कलर की पॉकेट है। पॉकेट भी वॉर्म ही है, और वुलन की है, और स्टफ काफी अच्छा है, क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी सॉफ्ट है, ऐसी नहीं है कि चीप क्वालिटी में है, और इसके जो नीचे है ना इस टाइप के कट कट है, और काफी प्यारी लुक दे रही है गाइस ये, और काफी इसमें स्ट्रेच भी काफी है, काफी स्ट्रेच है गाइस इसमें, आई थिंक ये 5XL ही है क्योंकि स्ट्रेच इसमें काफी दिया गया है। तो अब मुझे पहनकर देखनी पड़ेगी कि ये साइज मुझे कैसा आता है, और जैसा भी आएगा मेरे साइड पर स्क्रीन पे आता होगा गाइस, आप देख सकते हो फिटिंग इसकी मुझे लगता है काफी अच्छी आएगी।
गाइस ये है मेरी कार्डिगन जो कि मैंने ऑर्डर की है पहले, और जो भी इसका एग्जैक्ट प्राइस है वो स्क्रीन पे आ रहा है। क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, वुलन का फैब्रिक है और वॉर्म भी है। गाइस काफ़ी स्टाइलिश लुक दे रही है और काफ़ी प्यारा पीस है। तो गाइस अगर बाय करना चाहो तो कर सकते हो, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 500 कुछ का ये मैंने बाय किया है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो गाइस मुझे ये काफ़ी पसंद आई है। तो गाइस ये है हमारी कार्डिगन। कार्डिगन जो बाय करना चाहते हो तो गाइस कर सकते हो। इसमें काफ़ी कलर दिए गए हैं, इसमें ग्रे कलर, आई थिंक ग्रे कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, काफ़ी कलर थे। जो भी कलर है मैं साइड पर लगा दूंगी, अगर कुछ कुछ मुझे ध्यान में रहे ना तो मैं ज़रूर लगा दूंगी साइड पर। तो काफ़ी अच्छा है। कोड जो है इनका वो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ से कोड लेकर आप इसको बाय कर सकते हो। तो ये रही हमारी फर्स्ट कार्डिगन। और उसके पास नेक्स्ट पार्सल मैंने अभी तक पार्सल नहीं खोले थे। ये मैंने निखार के लिए ना एक जैकेट बाय की थी गाइस। जैकेट जैसी मैंने वहाँ पर देखी थी ना, आई थिंक कलर सेम टू सेम है। लुक इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्यारी जैकेट है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है, बहुत अफोर्डेबल है। जो भी इसका प्राइस है स्क्रीन पे आ रहा है गाइस, जैसी मैंने वहाँ पर देखी थी एग्जैक्ट सेम वैसी ही मुझे रिसीव हुई है। और फैब्रिक भी इसका काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी मिली है मुझे। तो शॉर्ट जैकेट है, मैंने इसको एक साइज प्लस में बाय किया था। आई थिंक ये 2XL तक वहाँ पर अवेलेबल है गाइस, अगर आप बाय करना चाहो ना कर सकते हो। और जिप की क्वालिटी देख लेते हैं। जिप्स की क्वालिटी भी गाइस इसकी अच्छी खासी है, इसकी जिप की क्वालिटी भी। और इस टाइप की सिल्वर कलर की यहाँ पर जिप दी गई है आपको, तो जिप सिल्वर कलर की ही पॉकेट पे जिप दी गई है। और इसके अंदर है इस टाइप का वॉर्म स्टफ, एकदम वॉर्म स्टफ लगा है, जो कि सर्दियों में काफ़ी वॉर्म रहने वाली है। ऐसी बताएगी जिसके अंदर इस टाइप की फर दी होती है ना, वो काफ़ी वॉर्म रहती है। तो गाइस काफ़ी प्यारा पीस है, कलर इसका काफ़ी प्यारा लगा मुझे। आई थिंक निखार को भी बहुत पसंद आया था। निखार की साइड पे मैंने पिक लगा दी है और काफ़ी स्टाइलिश लग रही थी, काफ़ी प्यारी लग रही थी, शॉर्ट जैकेट थी। अगर आप अपने लिए बाय करना चाहते हो कर सकते हो, अगर आप 2XL के अंदर अंदर हो तो 2XL के अंदर अंदर हो तो आप बाय कर सकते हो। अगर आप अपनी डॉटर के लिए बाय करना चाहते हो कर सकते हो, अगर आप किसी को गिफ्ट देने के लिए बाय करना चाहते हो कर सकते हो। बहुत प्यारा है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, 300 कुछ का ये प्रोडक्ट है। जो भी इसका एग्जैक्ट प्राइस है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ऐसी जैकेट आपको 300 कुछ में मिल रही है, काफ़ी प्यारा प्रोडक्ट है। और अगर बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, किसी के गिफ्ट के लिए भी बहुत प्यारी ये जैकेट है। तो गाइस ये रही जैकेट जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई और काफ़ी क्यूट सी लुक है इसकी। तो गाइस ये रही हमारी जैकेट। और उसके बाद जो मैंने थर्ड प्रोडक्ट बाय किया है ना, तो गाइस वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है सर्दियों में। मैंने ये बहुत वायरल प्रोडक्ट है, बहुत वायरल प्रोडक्ट है। तो गाइस मैंने इसको जैसे देखा था ना, मैंने इसको बाय कर लिया। क्योंकि क्या होता है सर्दियों में जब स्कर्ट्स पहनी होती है या कुछ ऐसे ड्रेस पहनी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी ठंड लगने वाली भी नहीं है, और बिल्कुल भी आप अपनी मतलब आप बहुत ज़्यादा सर्दियों की ड्रेस में भी स्टाइलिश दिख सकते हो। आप इसको लॉन्ग शूज के साथ वेयर कर सकते हो, किसी के साथ भी आप इसको वेयर कर सकते हो। आपको मतलब ये मैंने बाय किया है मीशो से। तो गाइस प्राइस रेंज इसकी कुछ अच्छी थी, लेकिन गाइस प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ये आपको प्लस साइज में भी मिल जाएगी। तो गाइस मैंने 2XL शायद 2XL बाय किया था, ये 3-4XL में अवेलेबल है। प्लस साइज वाले जो मतलब 3XL 4XL वाले हैं ना, वो भी इसको वेयर कर सकते हैं। तो गाइस ये मैंने बाय की थी, ये है लेगिंग। तो गाइस इसमें मतलब इस टाइप की ये सॉक्स जैसे सॉक्स वाली लेगिंग है, बहुत ही अच्छी लेगिंग है। तो गाइस बहुत ही प्यारी सी एक लुक देती है, ऐसा लगता है कि जैसे अपने स्किन पे ना सिर्फ नेट की सॉक्स वेयर कर रखी है। इतनी प्यारी इसकी लुक आती है ना कि मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा था। और सच में गाइस मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग्स। तो गाइस ये स्टॉकिंग्स बहुत अच्छी है, हम इसको स्टॉकिंग्स भी बोल सकते हैं, लेगिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एकदम वॉर्म है, एकदम लेगिंग की तरह ये लुक देता है। और बस आप देख लो कि इसके नीचे आपको सॉक्स भी दी गई है। अगर आप इसको स्टॉकिंग बोलना चाहो तो स्टॉकिंग बोल सकते हो, अगर इसको लेगिंग बोलना चाहो तो लेगिंग बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। गाइस मैंने इसको खुद के लिए बाय किया था, लेकिन गाइस ये निखार को इतनी पसंद आई, जैसे ही ये प्रोडक्ट आया ना घर पे तो उसने जल्दी से इसको वेयर किया और अपनी स्कर्ट के साथ वेयर किया। इसको बहुत प्यारा लगा था ये प्रोडक्ट। और ये अंदर से भी बहुत ज्यादा वॉर्म है गाइस, बहुत ज्यादा वॉर्म है।
मतलब आपको सर्दियों में कोई भी टेंशन नहीं है स्कर्ट डालने की, अगर स्कर्ट डालोगे तो आपको बहुत ठंड लगेगी, अगर आप कोई ड्रेस वगैरह करोगे तो आपको बहुत ठंड लगेगी, आपको बस नीचे से इसको वेयर करना है और नीचे से ये बहुत ज्यादा वार्म है गाइस। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 600 कुछ का प्रोडक्ट है, थोड़ी कॉस्टली रेंज पर है लेकिन गाइस बहुत ज्यादा यूजफुल है, अगर बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो गाइस, मेरी ओर से हाईली रिकमेंडेड है, बहुत प्यारी चीज है। तो गाइस मैंने इसको 2XL में बाय किया था, 2XL में मुझे थोड़ा सा टाइट आया था, अगर आप इसको आप मतलब 3-4XL की हो ना तो आप मतलब 3XL या 4XL में इसको बाय कर सकते हो, वहां पर ये साइज अवेलेबल है, बहुत प्यारी चीज है। तो गाइस मेरी ओर से हाईली रिकमेंडेड है। तो गाइस बस ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।